क्या दिखाने लाई हो? ये देखें, जूता। जूता? शार्पनर। शार्पनर है ये? अरे वाह, इतना अच्छा शार्पनर है ये तो। शार्प नहीं, शॉप। क्या होता है? शार्पनर। शॉप नहीं होता, शार्पनर होता है। शार्पनर, शार्प। क्या होता है? हम कानपुर गए थे। कानपुर से लेकर आई हो? ये यहाँ नहीं मिलता है। नहीं। क्यों? पॉपिट भी लेके आए। क्या लेकर आई हो? पॉपिट। पॉपिट क्या होता है? फोड़ने वाला। फोड़ने वाला? अच्छा, तुम्हारा शार्पनर। ये चॉकलेट है। अच्छा चलो, अच्छा नीचे चलो, अजान हो गई मगरिब की। चलो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता था कि मैं गई थी जेड स्क्वायर और उसके बाद हम गए थे नवीन मार्केट, तो वहाँ के कुछ क्लिप्स थे जो कि रह गए थे, तो मैंने सोचा चलिए पहले आपसे वो सारे क्लिप्स शेयर कर लेते हैं। तो चलिए देखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग आ गए नवीन मार्केट, और इत्तेफाक से जब हमारा प्लान बना मॉल आने का तो देखिए संडे पड़ गया, तो संडे में सारी शॉप्स बंद रहती हैं नवीन मार्केट में, मतलब मोस्टली शॉप्स जो हैं वो बंद रहती हैं और थोड़ी बहुत खुली रहती हैं। तो खैर, हमारा कुछ काम था वहाँ पर जो कि नहीं हो पाया। और यहाँ पर देखिए मैं देखने लगी हूँ बैग, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बैग्स हैं, आपको यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं बाहर, अगर आप शॉप्स जो बाहर लगाते हैं वहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाते हैं कम रेट्स में। तो देखिए मैं यहाँ पर देखने लगी थी टी शर्ट्स, मैंने और भी आगे टी शर्ट्स देखी हैं कई जगह पर, एक्चुअली यहाँ पर जो है ज़्यादातर हाफ स्लीव्स थी और मैं ढूंढ रही थी फुल स्लीव्स, जो कि मुझे नहीं मिली क्योंकि मैं फुल स्लीव्स पहनती हूँ, मैं फुल स्लीव्स ढूँढ रही थी। बाकी हम आगे बढ़े, आगे हमने देखा ज़्यादातर शॉप्स बंद भी थी, कुछ कुछ खुली भी थी, और देखिए जैसे कि ये मानेवर ये खुली थी, और आगे हम फुटवेयर शॉप्स में गए, वहाँ हमने देखा। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी टी शर्ट्स लगी हुई हैं, मैंने यहाँ पर भी देखी लेकिन यहाँ पर भी सारी हाफ स्लीव्स थी, फुल में नहीं थी, बाकी लॉन्ग थी, मुझे इसे पसंद आ रही थी। उसके बाद हम आ गए, ये देखिए यहाँ पर सैंडल्स की शॉप है, और यहाँ पर मैं देखने लगी अपनी डेली वेयर पहनने के लिए, डेली यूज़ में पहनने के लिए सैंडल। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो ये देखिए ये मुझे लूज़ हो रही थी इसलिए मैंने ये नहीं ली, और जो मैंने मेरे साइज़ की थी वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, बाकी ये मुझे लूज़ हो रही थी। बाकी हम आगे आ गए थे अपनी कज़िन्स के लिए सैंडल देखने, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सैंडल, और यहाँ पर मेरी चाची भी हैं जो पहन के देखने लगी, बोल रही थी अगर पसंद आ गई तो मैं भी ले लूँगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी कज़िन्स के लिए सैंडल। तो ये देखिए यहाँ पर एक सैंडल जो है वो पहन कर देख रही है, उसको ना हील चाहिए थी, मतलब आजकल के बच्चे जो है ना वो हील्स पहनेंगे, स्लीपर्स नहीं पहनेंगे, हील्स पहनेंगे। खैर कोई बात नहीं, बच्चों की भी अपनी अपनी पसंद है, आजकल के बच्चे हैं ना ये, इसलिए। तो फ्रेंड्स, सैंडल की शॉप के बाद हम आ गए थे कॉस्मेटिक की शॉप पर, तो यहाँ पर हम देखने लगे कुछ चीज़ें। यहाँ पर हमें ये देखिए बैंगल्स हैं, एकदम गोल्ड लग रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे, और ये थे कुछ ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके यहाँ, तो हमने भी यहाँ से सोचा कुछ ले लेते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम आ गए कल्याण जी बेकर्स। जैसा कि उन्नाव या कानपुर में रहने वाले लोगों को पता होगा कि कल्याण जी बेकर्स भी नवीन मार्केट में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनके हर चीज़ फ्रेश मिलती है, तो हमने सोचा चलो अब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये ब्रेड देख रहे थे, ये स्वीट ब्रेड थी, स्वीट केक था सॉरी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं नहीं खाती हूँ बट मैंने सोचा मैं मम्मी के लिए ज़रूर लूँगी यहाँ से, तो मैंने यहाँ से ये केक लिया। और भी हमने चीज़ें देखी यहाँ पर, ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह, और यहाँ पर बच्चे देखिए अपने लिए जो है वो टॉफ़ी सेलेक्ट कर रहे थे। उसके बाद हमने नवीन मार्केट से खाई बताशे यानी कि पानी पूरी, और फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। तो ये देखिए जेड स्क्वायर मॉल, बाय बाय। तो अब हम जाने लगे हैं घर, और घर जाने के बाद हमारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, बहुत बुरी तरह से थक चुके थे, बहुत ही ज़्यादा सभी बच्चे भी थक गए थे, हम लोग भी थक गए थे। और घर जाकर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद आप जो देखेंगे वो नेक्स्ट डे का होगा। ये देखिए नेक्स्ट डे का है, और यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो हमने ली थी। मेरी कज़िन ने कुछ चीज़ें ली थी, ये कैंडी जो मॉल से ली थी, और ये ब्रेड है, और ये है सॉरी फिर मैं ब्रेड बोल रही हूँ केक है, और ये बिस्किट। तो ये सब चीज़ें हमने ली थी के लिए। कुछ लाए आपकी फेवरेट, अच्छे लगते हैं ना आपको। वेलकम। और अम्मी ये मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। तो जी मुझे ये कप और सॉकर बहुत पसंद आ गया था मॉल में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ज़रूर लूँगी, और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मैं लेकर रहती हूँ। तो मुझे ये कप और सॉकर पसंद आ गया था, इसलिए मैंने ये ले लिया। ये है समरा की डायरी, और ये है समरा, और इनके टेस्ट होने वाले हैं। तो मुझे अब देना है इनके ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा। पढ़ने में तो वैसे भी समरा अच्छी है, गुड गर्ल है ना, अच्छी लड़की हो ना पढ़ाई में। अच्छा तो कुछ तैयारी करी कि नहीं अभी तक? पोएम तो याद हो गई है सारी, और क्या क्या याद हुआ? और शब्द हाँ, छोटा आ से बड़ी की मात्रा वाले, छोटा आ से लेकर और आगे मेरा हेयर। अच्छा हेयर बैंड भी है, न्यू है क्या ये इधर? हाँ अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और ये मेरे कलर है। कलर भी है, कलर से तो बहुत प्रेम है, बहुत मोहब्बत है समरा को अपने कलर्स से। ठीक है अब आप कलर्स ना दिखाई, अब पढ़ाई करिए, समझी? चलो स्टार्ट करो। समरा नहा धोकर आई अच्छे से फ्रेश होकर, देखें बाल गीले हैं ना। डव साबुन लगा के नहाती हूँ। डव साबुन तो बॉडी में लगाया जाता है, सर में तो नहीं लगाया जाता। आप सर में लगाती हो क्या? और क्या मिला है होमवर्क में? रिपीट सी डब्लू, देखें हाँ सी डब्लू रिपीट करना है। और अपना नाम? बुक इज मेड ऑफ पेपर। पेपर। ड्रेस इज मेड ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स। डोर इज मेड ऑफ वुड। वुड मीन्स लकड़ी। डोर मीन्स दरवाजा। हट इज मेड ऑफ मड। What is your name? My name is Samra. Good girl, very good girl. तो चलो अब start कर दो जल्दी जल्दी। हाँ repeat, और यहाँ पर अच्छा दो मिले हुए हैं ना, एक मिला है ये repeat CW और एक है transports name, okay? चलो पहले CW करो।
फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पीने लगी हूँ अपनी फेवरेट कप में शाम की चाय। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल हसन आफीम व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे आपसे अपने न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, दुआ में याद रखिए, अपनों में रहिए, अपनों को खुश रखिए और हमें भी दुआ में अपनी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।